यह है इनके आंकड़े, 278 रन अब तक बना चुके हैं मोहम्मद वसीम, 297 रन 10 मैचों में, 159 का स्ट्राइक रेट। कुशल परेरा की अगर बात करें, फाइनल मुकाबला है ये और देखना होगा कि किस तरह का प्रदर्शन रहेगा कुक लाइन का। और कॉमेडी बॉक्स में मेरे साथ शोएब अख्तर, अच्छे लंबे जोड़े स्कोर होना चाहिए, ये चीज सीधा खेलें, बिल्कुल सीधा खेलेंगे और सीधे से छक्का मिलेगा, कोई सीम नहीं, कोई स्विंग नहीं, सीधे बल्ले के साथ खेल दिया इस बार मिडॉन के ऊपर से 6 रन के लिए पहला छक्का ये फाइनल मैच में लगाते हुए वसीम। ये देखिए इस बार बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच और वो फॉलो थ्रू ना, इस लेंथ पे आप इनके खिलाफ गेंदबाजी नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही लेंथ आप पीछे खींचते हैं ना बहुत ज्यादा समय मिल जाता है कुशल परेरा को। बॉल ये बचा पाएंगे कि नहीं बचा कर? नहीं बचती, वो गया ग्राउंड से बाहर। यार मोहम्मद, यार वसीम, हर बॉल को नो बॉल समझ के खेला कर। जो सबसे बड़ा हिट मारेगा डीपी वर्ल्ड की तरफ से, और डीपी वर्ल्ड क्या करती है, हर एक बड़े हिट पे एक किट जो है वो भी डोनेट की जा गया था, बताओ ये कहां चली, ये कहां चली ये कुकबरा की गेंद, कोई नहीं रोक पाएगा आज इसको, अपनी अलग ही चाल चलेगी आज। कदमी करके आगे आए और उसके बाद ये ओवर पॉइंट, क्या बात है, क्या टाइमिंग है, ये खिलाड़ी अलग है शोएब अख्तर, ये खिलाड़ी में बहुत दम है, एट विल छक्के मारते हैं, स्किट थ्रू कर रहा है और बस आप मिलाते जाइए और चौके लेते जाइए। इसी के साथ 50 रन भी बोर्ड पे लग गए हैं। जैसे आपने कहा जी के माध्यम से विश्व भर में वो जुड़ते चले गए क्योंकि कमाल की एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिला। 200 मिलियन ज्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं तो यहाँ पर तो ये इंटरनेशनल लीग है, इंटरनेशनल फ्लेवर है और वो उसी का मजा है। अंदर आएगी लेकिन गेंद बाहर चलेगी, देखिए ऊंची बहुत गई है लेकिन दूर नहीं है यार, कैच क्या पकड़ेंगे रोमन पॉल, जी हाँ आसान तो नहीं कहूँगा लेकिन एक अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पर पॉल ने, पहला झटका दिया जाहिर ने, एक ब्रेक थ्रू दिलाया है, इस साझेदारी को तोड़ा है जो 77 रन की साझेदारी बन गई थी। खुश होंगे दिल्ली कैपिटल, दुबई कैपिटल के कप्तान रोमन पॉल ने अपना 100वां कैच पूरा किया T20 का। ये बल्ला चला, इसी की जरूरत थी, लय भी मिली उसके साथ साथ डिस्टेंस भी, लाजवाब शॉट स्पाइस मैन का। जब अब इस छक्के के साथ एक गेंद धीमे करनी थी और बाहर करनी थी क्योंकि वो पहले ही विकेट छोड़ के खड़े हैं, पता है प्रेशर है, ये बड़ा शॉट खेलेंगे, उनके पाले में गेंद किया और वो चूके नहीं, 6 रन के लिए खेल दिया सीधा सामने तीर की तरह। ये कैच हो गया, बहुत ही बड़ा विकेट, ये सिकंदर रजा जिसके बारे में बात कर रहे थे कि इनको लगाया है इसका मतलब है विकेट आने वाला है। सिकंदर आए और अपनी रजा जाहिर ना करें ऐसा हो नहीं सकता, आते ही रजा अपनी जाहिर कर दी, विकेट चटकाने में कामयाब एक बार फिर, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पे। सिकंदर है तो सब पॉसिबल है, कैसे जीती जाती है बाजी को इनसे सीखिए। इनर्स ने रोका है वापस आके और पूरी गुप्ताने की, एक अच्छा शॉट, एक अच्छा शॉट, फास्ट बॉलर पे तो रन बनते हैं यहाँ पे, स्पिनर्स पे नहीं। एक स्तर इस सीजन नजर आया, थ्रू द लाइन चेयर स्टैंड एंड डिलीवर निकोलस पुरन, सोने की ड्रेस पहनी थी बेबी ने, विजुअल बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरा क्राउड है और ये पूरा शॉट है फ्लेचर का, ये बाल बाल बचे, लोग भी कैच करना चाहिए था, ये देखिए शॉट क्या खूबसूरत आगे निकले, क्या खूबसूरत बैट लो, कैसी मजेदार रीच। सहवाग के होते हुए मैं सारी चीजें आपको बैटिंग के बारे में बता रहा हूँ, आपका सौभाग्य है कि मैं आपको बताने दे रहा हूँ। आज डगआउट में मौजूद है, नालुक दर्शकों के बीच में स्वैग के साथ अर्शदक फ्लेचर,
स्टाइल में 50 किया है छक्के के साथ। मिस हिट हुआ है, खिलाड़ी है वहां और बॉल, वाह इस कैच को जोड़ दीजिए, सबसे बढ़िया कैचेस जो अब तक हुए हैं इस टूर्नामेंट में। पारी को समाप्त करना है जल्दी, छोटा गेंद पुल करने का प्रयास, बहुत ऊंची गई थी ये गेंद पर उतनी दूरी गई नहीं, पर फील्डर ने बहुत दूरी तय की और सही वक्त पे हाथ नीचे लेके आए और एक बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे। उफ, बाप रे बाप, अरे ऐसे खिलाड़ी दुनिया से अलग नहीं, बस इनकी दुनिया अलग है। देखिए कितने आराम से ओवर पॉइंट कवर छक्का मारना उस दिशा में, वाह, और इतनी दूर, ये दर्शाता है ये बंदे की काबिलियत। ये देखिए आसान नहीं है विवेक भाई ये शॉट खेलने, आपने कहा ना कि इनकी दुनिया ही अलग है। फुल टॉस और ओहो, हाथ पे लग के निकल गई रजा के, 188/3। शतक हो गया पूरा यहां पे पूरा का, क्या कप्तानी पारी खेल के दिखाई है। सितारों के आगे जहां और भी है, इस खेल के इंतहा अभी और भी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, अरे तेरे सामने आसमां अभी और भी है। क्या बात है, ये लीजिए वो सेलिब्रेशन, कमाल का शॉट खेला ओवर कवर, क्या पावर है बंदे की, कहीं आउट ना हो जाए। नागिना ये कहा आउट होने वाले, आज 208 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं मॉय एमरेट्स ने। 50 रनों की साझेदारी मात्र 21 गेंदों में। जी हाँ, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, दुबई कैपिटल्स को अगर मुकाबला जीतना है तो 209 रन बनाने हैं। तो जिस तरह आपने बात की ना कि 209 रन खत्म हो जाएगा, तो अगर विकेट ना बाहर नहीं होते कैपिटल, पिच बहुत अच्छा है। अकील हुसैन स्विंग कराएंगे शुरुआत में। शोएब भाई क्या रणनीति रहेगी इस स्कोर को चेज करने के लिए? कुछ भी नहीं, जाके मारो, अब यही हो सकता है, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लाइक इज दिस, और यही पहला विकेट, चलिए पारिक दो, फिर आम बॉल, और बहुत कम देखा गया विकेटों को ये मिस करते हैं, शायद ये ऑफ स्टंप को जा लगेगा। अकील हुसैन हमेशा माय एमिरेट्स को स्टार उनको चाहिए होता है वो दिलाया, एक जैसी थी लेकिन फर्क बैंक बैलेंस और रनों का था। 6 रन मिलेंगे बैटिंग के बल्ले से, थोड़ा सा मोमेंटम भी चाहिए 21 में एक दिन के बाद, या फिर महिला जय वतन हो। फिर से हवा में, इस बार देखते हैं कैच पकड़ा जाता है कि नहीं, इस बार छोड़ेंगे नहीं कारन पोलार्ड, अब पकड़ते ही वो खुशी नजर आई है, वो खिलखिलाता वो चेहरा देखने को मिला है कि इस बार कोई गलती की नहीं कारन पोलार्ड ने, ये कैच बहुत ही आसानी से पकड़ लिया, हिलना नहीं पड़ा। ये भी धीरे गेंद थी, बल्ला इनका लगा नहीं जैसे लगना चाहिए था, और ये देखिए वो मुस्कुरा, इस बार लगाया है ठीक से, ये रिवर्स स्वीप सीधा 6 रन के लिए, शानदार टाइमिंग, गति की बॉल डाल सकते हैं, ये अच्छा शॉट लगाया था, ये सही कनेक्शन था जो कि सीधा जो गेंद गिरी वो टारगेट पे इसको लगाना होगा, बाहर निकले, ये शॉट सही है, इसकी जरूरत थी, और इस बार सही दिशा में भी खेला है टॉम बैंटन ने, कदमों का इस्तेमाल किया और उसका फायदा उठाया, कदमों का इस्तेमाल, खेल दिया बिल्कुल सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से, ये धीरे भी किया था गेंद बल्ले के बीचों बीच, गेंद 85 मीटर का ये छक्का बैंटन का, ओ सही समय पे उड़ा दी थी, क्या क्या सही समय पे बेल्स उड़ा दी थी यहां पूरन ने, वाइड गेंद तो मिली है लेकिन एक और विकेट खो जाएगी यहां पे दुबई कैपिटल्स। It's roll it through, roll it through, roll it through, roll it, freeze it there, thank you. The batter's sure of the ground, I've got my decision ready for the big screen.
छोड़ा है कैच छोड़े और ये लीजिए स्विच हिट। ये सोच बुरी नहीं है धोनी की बदौलत खेल रही है। ओफ कैच पकड़ा तो गया है लेकिन बाउंड्री के उस पार पकड़ा गया है कैच। सैम बिलिंग्स ने देखिए मिडविकेट के ऊपर बाउंड्री के बाहर फील्डर था जरूर लेकिन बड़े आराम से उसके ऊपर से उस पार और कैच बहुत बढ़िया पकड़ा काफी फाइन। और लेकिन इस बार जो कवर पॉइंट कवर की तरफ फील्डर था उसके ऊपर से लगाया चार रन। ऐसे बहुत सारे चौके चाहिए अगर दुबई कैपिटल का मुकाबला जीतना है। जो मैंने कहा था वो सच तो हो गया। ये लीजिए आउट या नहीं नहीं बहुत आला 75% तो मेरे हो ही जाएंगे। एक और आउट चतुराई के साथ ये बॉल डाली थी तेज गति से बॉल डाली उछाल मिला पुल करने की कोशिश छक्का मारने का प्रयास पर सीधा हाथ में मोहम्मद वसीम सेफ फील्डर एक और सफलता। प्रकाश ये टूर्नामेंट घटा है फिर से रिवर्फ हवा में इस बार और इस बार छक्का मिलेगा और कमाल की टाइमिंग यहाँ पर सैम बेलिंग्स की। ये कप्तान है ये अभी भी लड़ाई लड़ रहा है मारा है देखिए किस तरफ मिड विकेट की तरफ ये गया है शॉट। वाह भाई क्रिकेट बहुत बदल गई सही समय पे निकल लिया हम खेल खुल के नहीं तो ऐसी बल्लेबाजी होगी तो समझ नहीं आएगा बॉल डालें किस तरफ। कमाल का शॉट था छह रन को जीतने के लिए इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए बाहर निकल कर इस बार वापस भेजना होगा। जब तक रिवर्स स्वीप खेल रहे थे तब तक कनेक्शन हो रहा था जैसे ही कदमों का इस्तेमाल कर सीधा खेलने का प्रयास किया बीट कर दिया वहां पर सलाम खेल ने बोला सैम बिलिंग्स से वापस जाइए। सैम बिलिंग्स तैयार हो गए लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरह शोएब अख्तर और हरभजन सिंह मैदान में एक दूसरे के सामने होते थे। ये देख सकते हैं अच्छी गेंद थी छका दिया था बाहर डाली ये गेंद सैम बिलिंग को कोई पता नहीं था। जी हाँ बिल्कुल ये अग्रेशन ये लाजमी है। ये लीजिए एक और कैच छोड़ा छक्का कराया इस बार तो अच्छा कनेक्शन है और ये छक्का देकर जाएगा आपको। ये होता है इसके पहले वाली गेंद पर कैच छूटा मोहम्मद वसीम का और उसके बाद वाली गेंद पर उसी दिशा में छह रन चौका हुआ और उसकी अगली गेंद पे ये छक्का। बहुत बार हमने देखा अक्सर ऐसे होते हुए तो यहाँ से साबा भाई अगर इमेजिन करिए ये ठीक ठाक बल्लेबाजी कर जाए तो आप कहोगे कि भाई तेज गेंदबाज के खिलाफ बेहतर विकल्प होते। शुक्र है ये कैच तो पकड़ा वरना ऐसा लग रहा था शायद ये भी छूटेगा। ये वसीम ने दूसरा कैच पकड़ा इस मैच में स्लो बाउंसर जरूर था प्रयास किया था कि मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाए कनेक्ट भी हुई लेकिन ऊंची ज्यादा गई दूर नहीं गई और वसीम ने कोई गलती नहीं की या तो कोई अचंबा भी नहीं जिता सकता। अगर ऐसे चौके हर गेंद पर लगेगा तब बन सकते हैं शायद बात पर तब भी नहीं लगता। शुरुआत के मुकाबले में आके सबसे मुश्किल ओवर डालते थे ब्रावो। चलिए गेंद एक बाहर तो गई लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान तुमने आते आते 25 से 28 की हो गई है रिक्वायर्ड रन रेट। जी आप पिछली बार जब हमारा स्ट्रीट था आप यही कह रहे थे कि आप बात तो कर रहे हैं 13-14 रन हर ओवर में बनाते रहे लेकिन देखिएगा आखिरी के ओवरों में 25-26 पहुंच गए। मिस किया होल्डर ने विकेट पर लगी 59 रन चाहिए 10 गेंदों में प्रयास जरूर था छक्का लगाने का लेकिन मिस किया और बोल्ड खुश हैं वो आकाश अंबानी जीत रहे हैं इस बार। ये देखिए ट्रेंट बोल्ड अंदर डाली उन्होंने गेंद और लेग स्टंप पर बराबर लग के गई कई बार मिस हो जाती है। स्टाफ में और गेंद बाउंड्री के उस पार हो सकती थी मतलब तो दे भी देते तो क्या है ऐसा तो है नहीं कि वो मैच बहुत क्लोज था वो नो बॉल दे देते तो शायद जीत जाती तो तौर पे। और यहां पे ये मुकाबला जीत गई है माय एमिरेट्स टीवी वर्ल्ड आईएल T20 को मिल गया एक नया विजेता। टीवी वर्ल्ड आईएल T20
2024 और उसकी विजेता टीम बन गई है माय एमिरेट्स। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है तब उनको अपनी मंजिल आसमानों में।